समाज में अक्सर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों को कम समझने की रिवायत रही है, जिसके कारण इन्हें अक्सर हल्के में ले लिया जाता है। यही गलती अक्सर बहुत से लोगों ने नाश का कारण बनी है। हमारे प्राचीन पुराणों में ऐसी कई कहानियां मिलती है जहां असुरों और राक्षसों ने पुरुषों को जीतकर खुद को अमर समझ लिया, पर आखिर में इनकी मृत्यु के पीछे स्त्रियों का हाथ रहा। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ कहानियां जहां असुरों ने मांगा स्त्री के हाथों मरने का वरदान और देवियों के हाथों हुआ उनका संहार। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। देवी पुराण में हमें महिषासुर की कहानी मिलती है, जो आधा भैंसा और आधा असुर था। महिषासुर का जन्म एक असुर और अप्सरा के योग से हुआ था। महिषासुर को सदी आव इस बात से पीड़ा होती थी कि देवता असुरों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहते हैं। न देवताओं को हराने के लिए ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की और उनसे अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने उनसे ये वर मांगा कि उन्हें कोई इंसान, देवता, यक्ष या किन्नर ना मार सके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि वो केवल स्त्री के हाथों से ही मारा जा सकेगा और किसी के हाथों नहीं। ये वरदान सुनकर महिषासुर ने खुद को अमर समझ लिया और दुनिया भर में आतंक फैलाने लगा। इसने इंद्र को स्वर्ग लोक से निकाल दिया और उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सभी देवतागण त्रिदेवों के शरण में गए। सभी देवी देवताओं ने वहां अपनी शक्तियां मिलाकर एक अलौकिक दिव्य स्त्री को जन्म दिया, जिसे ऊर्जा कहा गया। माता दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने हथियार और शक्तियां दी। इसके बाद दुर्गा माता ने महिषासुर के सभी राक्षसों को एक एक करके मार गिराया। महिषासुर ने गुस्सा होकर देवी पर हमला किया, पर देवी की शक्ति के सामने उनकी एक भी न चली और वो माता के हाथों मारा गया। ऐसा ही वरदान शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों भी ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था कि वो केवल एक स्त्री के हाथों युद्ध में मारे जा सकते हैं। शुंभ और निशुंभ ने सोचा कि ऐसी कोई स्त्री हो नहीं सकती जो इतनी शक्तिशाली हो कि उनके साथ युद्ध कर सके। ये सोचकर दोनों ने देवताओं और साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनको प्रताड़ित करने लगे। सभी देवी देवताओं ने मिलकर पार्वती माता से गुहार लगाई। पार्वती माता ने अपने शरीर से एक नई देवी को जन्म दिया, जिसे कौशिकी कहा गया, और खुद काली का रूप में प्रकट हुई। दोनों राक्षस देवी को देखकर उन पर मोहित हो गए और उनके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने दोनों राक्षसों को संदेश भेजा कि वो सिर्फ उसी से विवाह करेगी जो उन्हें युद्ध में हरा सकेगा। शुंभ निशुंभ ने अपने दूत चंड और मुंड को भेजा। चंड मुंड ने देवी को देखा और उनको कहा कि वे शुंभ और निशुंभ की पत्नी बनना स्वीकार करे, वरना उन्हें जबरदस्ती दासी बनाकर उनके पास ले जाया जाएगा। उनसे गुस्सा होकर देवी ने चंड और मुंड के साथ भीषण युद्ध किया और उनका संहार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि उनकी खून की एक भी बूंद निकलने पर उस जैसे कई सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। धूम्रलोचन को मारने के लिए देवी ने काली का रूप ले लिया और उनके शरीर से खून की सारी बूंद पी गई। लिंग पुराण में वर्णित है कि दारुक नाम के राक्षस ने संसार में भयंकर उत्पात मचाया था। पार्वती माता ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे दारुक का संहार करें और संसार को राक्षस के आतंक से मुक्त दिलाए, पर शिव जी ने उन्हें बताया कि वरदान के मुताबिक दारुक को सिर्फ एक औरत मार सकती है। तब पार्वती माता ने शिव जी के शरीर में प्रवेश कर लिया और एक प्रचंड देवी का रूप धारण किया। कहते हैं कि उनके गले में बसे हलाहल विष को धारण कर लिया, जिससे उनका पूरा शरीर काला पड़ गया, जिससे उनका नाम काली पड़ा और उन्होंने प्रचंड रूप लेकर दारुक का संहार किया। इसी तरह माता पार्वती ने दुर्गासुर नाम के दैत्य का संहार किया था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि कोई भी पुरुष शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वरदान प्राप्त करने के बाद दुर्गासुर ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। तब पार्वती माता ने सभी देवताओं की रक्षा करने के लिए असुर का सामना खुद करने का निश्चय किया। दुर्गासुर ने अपने सारे हथियार देवी पर चलाए, लेकिन उसको मिले वरदान के अनुसार उसके हथियार और दिव्यास्त्र केवल पुरुषों पर काम करेंगे, स्त्रियों पर नहीं। तब पार्वती माता ने अपने त्रिशूल से दुर्गासुर की छाती पर वार किया और दुर्गासुर का संहार कर दिया। पार्वती माता के अलावा सीता माता ने भी मुल्कासुर नाम के एक दैत्य का संहार किया था। सीता माता ने कुंभकर्ण के बेटे मुल्कासुर का संहार किया। मुल्कासुर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़ा होने पर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फलस्वरूप उसे ब्रह्मा जी ने वरदान मिला कि स्त्रियों के अलावा उसे और कोई नहीं मार सकेगा।
मुल्कासुर इस वरदान से खुश होकर दुनिया भर में हाहाकार मचाने लगा। उसने निश्चय किया कि पहले वो विभीषण का वध करेगा और फिर श्री राम का। विभीषण ने श्री राम से मदद की गुहार लगाई, तब श्री राम ने अपनी पूरी सेना विभीषण के मदद के लिए भेजी। जब सीता माता को मुल्कासुर के अत्याचारों का पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंडी का रूप ले लिया और मुल्कासुर से युद्ध करने पहुंच गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद सीता माता ने चंडी का अस्त्र छोड़कर मुल्कासुर का नाश कर दिया। देवियों के हाथों मारे जाने की हमें ऐसी कई असंख्य कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ कहानियां ऐसी भी मिलती है जहां भी देवताओं ने किसी असुर का वध करने के लिए स्त्री का रूप धारण किया, जैसे भस्मासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। स्त्रियों को कमजोर समझना हमें ऐसे असुरों के लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी ही ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।